सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं हूं रमदीप सिंह, स्वागत करता हूं आपका परफेक्ट टाइमलाइन में। आशा करते हैं सभी अपने घरों में कुशल मंगल हो गए, सभी ठीक ठाक हो गए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहां पे आई लव जम्मू जो सेल्फी पॉइंट है यहां पे खड़ा हूं, और आपको बता दें कि जम्मू जो हमारी बस स्टैंड पुलिस है उन्होंने बड़ा दो दिन के अंदर अंदर जो है केस को सॉल्व किया है, और वो बधाई के पात्र भी है, क्योंकि जो पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं, जो नुकसान करते हैं, वो होशियार हो जाएँ, वो चौकन्ने हो जाएँ, क्योंकि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाएगा वो जल्द से जल्द पुलिस की हिरासत में या गिरफ्त में आ जाएगा। तो बात करते हैं, आप आइए आपको मामला पूरा बताते हैं कि जो सेल्फी पॉइंट दो दिन पहले आपको बताया कि हमारे चैनल के माध्यम से आप तक खबर पहुंचाई गई थी कि कुछ शरारती बदमाश लड़कों ने जो थी इनको तोड़ने की कोशिश की थी, जो सीसीटीवी फुटेज में रात को कैद हो गए थे, और जो नज़दीकी थाना है वहाँ पर जो कार्रवाई करते हुए इसकी जो जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई थी, और अगले दिन ये खबर आती है कि वहाँ पर रात को फिर दोबारा से आते हैं और कैमरा जो कैमरा था जो आपको हमने दिखाया था, कैमरे में जो कैमरा बिल्कुल सामने लगा था पेड़ के ऊपर, आपको दिखा दे, कैमरामैन को मैं कहूँगा कि उसे थोड़ा दिखा दिया जाए हमारी प्यारी आवाम को, हमारी जनता को, और ये यहाँ पे कैमरा था, उसके बाद फिर से तोड़ा। तो उसके बाद जो है हमारे जो स्मार्ट सिटी को लगभग स्मार्ट सिटी के अंडर में जो पूरा देख रेख करते हैं उनका भी आगे बात करते हैं, आइए पूरा मामला जानते हैं इसमें क्या क्या है। बस स्टैंड पुलिस ने दो दिन पहले बीसी रोड पर आई लव जम्मू का हमारे पास अपडेट आया, सेल्फी जो पॉइंट था जो जहां पे सेल्फी खींचने लोग दूर दूर से आते थे, नुकसान पहुँचाने वाले 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर दिया है। वो 8 लड़के थे जो रात को लगभग वो कैसे ये कामयाबी मिली ऐसे बस स्टैंड पुलिस स्टेशन को, उसके बारे भी आपको बताएंगे। पुलिस सूत्रों ने अनुसार इस साल 6 दिसंबर को जो थे अंतिम मुख्य कार्यकर्ता अधिकारी जो है मुख्य कार्यकर्ता जम्मू स्मार्ट सिटी लीडर द्वारा पुलिस स्टेशन में बस स्टैंड के एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने बीसी रोड पर सेल्फी पॉइंट जो था उस आई लव जम्मू लगभग तोड़फोड़ की गई, और जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना बस स्टैंड पर पृथक जो है एफ आई आर जो धारा के तहत 77/2021 के तहत धारा 434, 434 और 427 IPS तहत जो सार्वजनिक थी संपित निवारण की धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया और जांच शुरू कर दी गई थी। और आपको बता दें कि कड़ी मशक्कतों के बाद सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति की पहचान की गई, जिसका नाम अभिषेक गिल ईसाई कॉलोनी का था, जो शीरी चौक जिला जम्मू में है, मुतजिर गिल का बेटा था, और उसे गिरफ्तार कर दिया गया है। जांच के दौरान अभिषेक गिल ने बख्शी नगर जम्मू के मांग गिल के बेटे निखिल गिल, जब जानकारी पूरी हुई की गई और उसने आगे एक लड़के का नाम दिया जो मामले की भी शामिल था, और पुलिस जिसका नाम आपको फिर से बता देता हूँ, निखिल गिल का नाम है, खुलासा किया गया है, जो इस मामले के शामिल था और पुलिस टीम के भी उसी बख्शी नगर जम्मू में उसके आवेश गिरफ्तार कर दिया गया, बख्शी नगर में उसे गिरफ्तार कर दिया गया इन्फॉर्म करके यहाँ से आगे की। फिर उसके बाद जो हमारी पुलिस है जो उस कार्रवाई पर लगी थी, आगे की जाँच के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति ने 6 और व्यक्तियों का नाम बताया, यानी जो दूसरे वाला पकड़ा गया था जिसको बख्शी नगर थाने में रखा गया था उसने 6 और व्यक्तियों का नाम बताया। और आपको बता दें जानकारी के लिए उन 6 व्यक्तियों का जो नाम था द फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट पर्सन, 6 मोर पर्सन जो थे उनका नाम था गोल्डी जो बख्शी नगर का रहने वाला है, उसके बाद बख्शी नगर और हेवन ऑफ क्रिश्चियन कॉलोनी बख्शी नगर, विनय बख्शी नगर, उसके बाद ग्रेबिल लाल बख्शी नगर, शुभम बख्शी नगर, एंड ऑल दिस 6 पर्सन आर अरेस्टेड जो किए गए थे। और आपको बता दें कि SHO बस स्टैंड इंस्पेक्टर दीपक सिंह ने निवेदन किया है पुलिस टीम से कि SDC सिटी सेंटर कालूचक, SP सिटी मोहिता शर्मा और SSP जम्मू चंदन कोहली की निगरानी में गिरफ्तारी की गई है, यानी कि इनकी निगरानी में गिरफ्तारी की गई है, और ये बहुत ही आपको बता दें कि बहुत ही जल्द इनको जो है लगभग अरेस्ट करके इनके धारा तहत जो है इनको अब जो है इनको 8 लड़कों को पकड़ लिया, क्योंकि सबसे पहले जो थे 2 लड़कों को वहाँ पर पकड़ा गया था जो CCTV कैमरे में कैद हुए थे, उसके बाद उनसे पूछगिछ की गई, उनके सामने 6 नाम और आए। तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे उनके साथ यही होगा, और एक बार फिर बधाई के पात्र है बस स्टैंड जो है, और जो टीम इसमें थी बस स्टैंड थाने की जो टीम थी और इसके जो पूरी टीम है, बने रही हमारे साथ एक नई खबर के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त, कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ, धन्यवाद, जय हिंद।